हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके लिए एकदम यूनिक रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसे मेरे घर पर तो पुए बोला जाता है और कहीं कहीं पर इसे खुरमी भी बोला जाता है। ये एक तरीके से मीठी पूड़ी होती है जो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने 2 कप आटा ले लिया था और उस आटे में थोड़ा सा तेल डाल दिया था। ये करीबन 2 चम्मच तेल है, इसको ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर दीजिएगा, जिसकी वजह से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर मैंने 250 ग्राम गुड़ ले लिया था और कम से कम 2 ग्लास पानी में इसे 3 से 4 घंटे पहले भिगो करके रख दिया था। तो जो गुड़ है वो अच्छी तरीके से घुल गया है। अब ये आटे वगैरह को अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिएगा। उसके बाद इसमें 1/4 कप जितना घी ऐड कर दीजिएगा। इससे ज़्यादा घी बिल्कुल भी ऐड मत करिएगा, वरना जो पुए हैं वो अच्छी तरीके से नहीं बनेंगे और जब आप इन्हें फ्राई करेंगे तो ये टूट जाएंगे। तो इस घी को भी इसमें ऐड कर दीजिएगा और पूरे आटे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिएगा। बस ये इस तरीके से बंधने लगे उतना ही घी इसमें ऐड करना है। उसके बाद ये जो गुड़ वाला सिरप बना करके रखा था, उसे धीरे धीरे करके आटे में ऐड करते जाइएगा। तो अभी मैं आधा ही सिरप ऐड कर रही हूँ। उसके बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स करिएगा और आटे के साथ मिक्स करने के बाद जब ये इस तरीके का दिखने लगेगा तब समझ जाएगा अपना आटा बन करके रेडी है। तो इसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा सिरप और ऐड किया है और उसके बाद इस तरीके का आटा बना करके रेडी कर लीजिएगा। ये हल्का सा चिपचिपा ही रहेगा और ये अभी अच्छी तरीके से चिकना नहीं है, लेकिन आप जैसे जैसे इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे तो ये अपने आप ही सेट हो जाएगा। तो बस आप अभी इसी कंसिस्टेंसी पर छोड़ दीजिएगा और इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने दीजिएगा। तो देखिए, आप 15 से 20 मिनट के बाद आटा अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। आप थोड़ा सा आटा लेकर के उसे सूखे आटे में डस्ट कर लीजिएगा और एकदम हल्के हाथों से इस तरीके के पुए बना करके रेडी कर लीजिएगा। इन्हें बहुत ज़्यादा बड़ा मत बनाइएगा, ऐसे ही छोटे छोटे पुए बना करके रेडी कर लीजिएगा। ये बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। और उसके बाद साइड में थोड़ा सा घी जो है उसे गर्म करने के लिए रख दीजिएगा। उसके बाद जैसे ही घी अच्छी तरीके से गर्म हो जाएगा तो जो पुए बना करके रखे हैं उन्हें घी के अंदर तुरंत ही डाल दीजिएगा और इन्हें मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लीजिएगा। ये जैसे ही आप घी के अंदर डालेंगे तो थोड़ी ही देर में ये अपने आप ही ऊपर आ जाएंगे। उसके बाद इन्हें तुरंत ही दूसरे साइड से भी पलट करके सेक लीजिएगा और ये हल्के से डार्क ब्राउन कलर में ही सेके जाते हैं। तो आप चिंता मत करिएगा, ये बिल्कुल भी जले नहीं हैं, बस आप इन्हें इसी कलर तक सेक लीजिएगा और उसके बाद इनका जो एक्स्ट्रा घी है उसे निकाल करके इन्हें बाहर निकाल लीजिएगा। और ये जब गर्म रहते हैं तो हल्के से सॉफ्ट रहते हैं, उसके बाद जब ये ठंडे हो जाते हैं तो ये एकदम अच्छी तरीके से सेट हो जाते हैं। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर पर बना करके ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में ये ज़रूर बताइएगा कि ये आपके घर पर बनते हैं या नहीं, या फिर आपके घर पर इसे क्या बोला जाता है। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, तो आप इसे ट्राई करके मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को और भी ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।